नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर के जेपी पब्लिक स्कूल का 24वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। आपको बता दें कि चांदपुर के जेपी पब्लिक स्कूल में 24वें फाउंडेशन डे का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक विकास कुमार गुप्ता और रॉकी सुषमा गुप्ता, आरन विकास गुप्ता व प्रधानाचार्य श्रीजी के मानी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्कूल के बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों के सुंदर अभिनय एवं प्रस्तुति से मौजूद सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में एसटीएम ऋतु रानी, सीओ सुनीता दहिया व प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम को सराहा तथा प्रशंसा की। विद्यालय के अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुमन त्यागी, एसटीएम ऋतु रानी, सीओ सुनीता दहिया व इंस्पेक्टर सतीश कुमार राय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बच्चा होता है तो फिर स्कूल नहीं होता, बट हाँ हम उसे वेल मैनेज बना देंगे, वेल मेंटेन बना देंगे, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देंगे और परसेंटेज डिपेंड करेगी कि बच्चा कितना चीजों में पढ़ाई को सीरियसली लेता है। उसके अलावा वो एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत काम करते थे उनके लिए, तो बेसिकली आर्यन ने जब मुझे कॉल किया 10th पास करने के बाद कि डैडी मैं पास हो गया, मैंने कहा अच्छा, बोले बताओ क्या परसेंटेज आएगी। मैंने कहा फर्स्ट हमने बोला वही हमारा विजन है, मैडम का भी विजन यही है कि एजुकेशन के साथ साथ बच्चे की पर्सनैलिटी, हाउ टू फेस द सोसाइटी, कैसे इन लोगों को सोसाइटी को फेस करना है, कैसे यहाँ से निकलने के बाद इन लोगों को सारी चीजें फेस करनी है, वो भी हम इन लोगों को देना चाहते हैं आज। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।